الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم صدق الله कल जहाँ से बहस का सिलसिला रोका था वहीं से उसको हम शुरू करेंगे जहनों को आमादा करने के लिए। अर्ज कर दूँ, खुलासा कर दूँ, कुरान, करबला और हम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 है कि जो हर रोज़ तिलावत की जाती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है, यानी लोगों की इस्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी लगा दी है अल्लाह ने। किस तरह इस्लाह करते हो? तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, तुम नहीं अनिल मुनकर करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें से मोमिन भी हैं लेकिन अक्सर उनमें से फासिक। एक एक लफ्ज़ अल्लाह ने जो अपनी किताब में इस्तेमाल किया है, माना और मफहूम के एतबार से कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही कोई चीज़ आकर उसको बदल सकती। तो ये कुरान का फरमान और उसके बाद हमने आपकी खिदमत में इमाम का फरमान पेश किया, मज़लूम करबला का फरमान पेश किया। उन्होंने अपनी वसीयत में जो मोहम्मद इब्ने हनफिया को फरमाई थी, जो मकसद बयान फरमाया करबला जाने का, वो भी यही था। फरमाया मेरा खुरूज का, मेरे घर से निकलने का, मेरे मदीना को छोड़ने का मकसद क्या है? कि मैं अमर बिल मारूफ करना चाहता हूँ, मैं नहीं अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। अपने जद की उम्मत में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उस बिगाड़ की इस्लाह करना चाहता हूँ। आप तवज्जो फरमाएं, आकिलाना तवज्जो फरमाएं। खुदा न खास्ता हम किसी तहरीफ का शिकार ना हो जाएं या ना हो गए हों। इमाम फरमा रहे हैं ये जो बिगाड़ पैदा हो गया, जिस तरफ, जिस रास्ते पर मेरे नाना चलाना चाहते थे, जो दीन की असली शक्ल थी, उसे महफूज रहना चाहिए, क्योंकि अब नबी नहीं आना, अब इसके बाद कोई और दीन नहीं आना कि अगर खराबी हो गई तो खराबी की इस्लाह हो। अब मेरी जिम्मेदारी है वारिस रसूल होने की नस्बत से, वारिस कुरान होने की नस्बत से, और कभी कुरान से जुदा न होने की नस्बत से मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं कुछ लोग, उस बिगाड़ को रोकूं, और जो बिगाड़ पैदा हो चुका है ऐसा काम करूं कि जो भी अपनी इस्लाह का तालिब हो उसके लिए हिदायत का मीनार वाज़े हो जाए। अगर इमाम यजीद को पैगाम भेजते कि बस मेरी डिमांड ये है कि तुमने वहाँ मेरा ज़िक्र करना है, सारे जो सल्तनत है तुम्हारी, खलीफा तुम बन जाओ, मैं कुछ नहीं कहता, बस हमारा ज़िक्र कराते रहो, लोग जो मर्जी करते रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यजीद तो जो मर्ज़ी वाला ही था, उसको कोई प्रॉब्लम ना होती इमाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने। दूसरे लफ्ज़ों में इमाम उसकी बैत कर लेते, मुतालबा करते कि बस तुमने हमारे नाम की महाफिल बर्पा करनी है, फलान करना, ये करना, वो करना, तुम्हारी हरकतों को हमसे कोई ख़तरा नहीं है, जो मर्ज़ी करते रहो। ऐसा नहीं, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ।
अमर बिल मारूफ करने का इरादा रखता हूँ, नहीं अनिल मुनकर करने का इरादा रखता हूँ, और मेरे जद अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पर अमल करना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इन दो बातों से, आयत कुरान से और फरमान इमाम से, हमने क्या नतीजा निकाला कि ये वही बात है, ये दोनों फरामीन, एक आयत और एक इमाम का फरमान, ये उसी बात की सदाकत की गवाही दे रहा है कि जो अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बताई थी कि क़यामत तक कुरान और मेरी इतरत, मेरे अहले बैत ये आपस में जुदा नहीं हो। ये गवाही है उसी हदीस सकलैन की सदाकत की, आयत कुरान भी और इमाम का फरमान। फिर मैंने आपकी खिदमत में कल जो अहादीस पेश की थी अक्ल के बारे में थी, और उनका पैगाम क्या था, खुलासा कि दीन उसका सही है और उतना ही सही है जितना दीन के बारे में उसका रवैया आकलाना है, सोचता और समझता है। मैंने अहादीस आपके सामने पेश की, और एक आयत जिस पर कल की गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था, सूरतुज़्ज़ुमर की आयत थी, 17 और 18 नंबर से मिलाकर बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये इमाम ने, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने, हिशाम इब्न हकम को, कि जो बड़ा मशहूर सहाबी है इमाम का, उससे फरमाया था इस रिवायत के मुताबिक, उसूल काफ़ी में किताबुल अक्ल वल जहल के अंदर जो रिवायत थी, क्या फरमाया था कि ए हिशाम, अल्लाह ने अहले अक्ल और अहले फहम को खुशखबरी दी है अपनी किताब में, उनके लिए खुशखबरी है। क्यों? इसलिए कि मैंने अर्ज किया था कि जो समझ कर कबूल करता है किसी चीज को, वो फिर किसी के प्रोपेगेंडे में आके छोड़ नहीं देता, और जिसने समझ के कबूल ना किया हो, अगर कोई पहले से ज़रा भारी बात करने वाला खतीब आ जाए तो कहता है पहले की बात गलत थी, इसकी बात ठीक है, तब्दील हो जाता, प्रोपेगेंडे की जद में आ जाता। तो इमाम ने फरमाया अपने उस सहाबी को कि अल्लाह ने अपनी किताब में, कुरान में, अहले अक्ल और अहले फहम, फहम यानी समझ, इन लोगों को खुशखबरी दी है। फिर इमाम ने उस आयत की तिलावत फरमाई, सूरतुज़्ज़ुमर की आयत क्या थी, फबशर इबाद, तो खुशखबरी दे दीजिए मेरे बंदों को, अल्लदीना यस्तमिउनल कौल, वो लोग के जो बात को गौर से सुनते हैं। यस्तमिउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह तबारक व ताला ने, दो लफ्ज़ हैं, एक होता है समा यानी सुनना, एक होता है इस्तेमा यानी गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। आपने आयत सुनी होगी, पढ़ी भी होगी इंशाल्लाह, कुरान पढ़ने के या कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो उसके सुनने के आदाब जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ख़ुद बयान फरमाए हैं, ये बयान फरमाया कि वइदा कुर अल कुरआन, जब तुम्हारे सामने मेरी किताब की करात की जा रही हो, मेरी किताब पढ़ी जा रही हो, हम किस लिए पढ़ते हैं कुरान, अपनी तकरीरों से पहले मजमा जमा करने के लिए पढ़ते हैं, ये कुरान का अदब नहीं है। कुरान पढ़ा जा रहा होता है, कोई बाहर बैठ के गप्पे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, सबको पता है कि ये मतलूब और मकसूद नहीं है जिसकी तिलावत हो रही है, ये बंदे जमा करने के लिए, ये बेअदबी है कुरान की। यानी जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है तो इधर उधर तवज्जो है, और जब मसलन मौलाना साहब मेरे जैसा आके यहाँ पर तशरीफ फरमा होगा, रौनक अफरोज़ मेंबर होगा, अब लोग उसकी बात सुनेंगे, ये बेअदबी है कुरान की। कुरान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दुनिया के हर मौलवी और खतीब से, और उसकी वजह ये अदम है तवज्जो की कि हमारे यहाँ कुरान को समझने वाली जो एक ख्वाहिश और तड़प होती है, वो पता नहीं क्यों उसका बोरिया बिस्तर अरसा दराज से, कई नस्लों से गोल हो चुका है। लिहाजा जी, वो बानी ने उसको कहा होता है कि जब मैं तुझे आँख का इशारा करूं कारी साहब, उसके बाद आपने स्टेज मौलाना साहब के लिए छोड़ देना, तो वो कारी भी किस लिए पढ़ रहा होता है कि बस इशारे का मुंतजर होता है बानी के। ये अदब कुरान नहीं है। अल्लाह ने क्या अदब बताया,
फरमाया हुआ इदा पूरे अल कुरान, जब कुरान की करात की जाए, जब तुम्हारे सामने मसलन कुरान की करात की जाए, फस्तमेउ लहू, ये फस्तमेउ वही इस्तेमा है, तो पूरी तवज्जो के साथ कान लगाकर उसको सुना करो, व अनसितु और खामोश हो जाया करो। और ये अनसितु आम खामोशी भी नहीं है, अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं। अनसितु से मुराद वो खामोशी है कि जो इंसान किसी बात को सुनने के लिए खामोशी इख्तियार करता है, गौर से सुनो और सुनने के लिए चुप कर जाओ, कोई आपस में बात मत करो जब कुरान की करात हो रही हो। लअल्लकुम तुरहमून, तुम अदब करोगे मेरे कलाम का, उम्मीद है कि तुम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। तो हमारे यहाँ अक्सर देखते हैं ना कुरान की करात जब हो रही होती है किसी प्रोग्राम से पहले, ना फस्तमेउ होता है ना अनसितु होता है। तो फिर तुरहमून किसका नतीजा है? फस्तमेउ का और अनसितु का। तो जब शर्त पूरी नहीं होगी तो नतीजा भी नहीं निकलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे मौला का फरमान आप सुनते रहते हैं। मौला फरमाते थे कि मैं जब चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। जब मेरी ख्वाहिश होती है मुझे कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, हमें बताया किस लिए? इस कैफियत की तलाश करो अल्लाह की किताब को पढ़ते वक्त। लेकिन ऐसा नहीं, तवज्जो फरमाए, वापस आते हैं सूरह ज़ुमर की आयत की तरफ। मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लदीन यस्तमिउन अल-क़ौल, जो बात को गौर से सुनते हैं, जो बात की जा रही है, फ़यत्तबिउन अहसना, फिर जो सबसे बेहतरीन बात होती है उसको फॉलो करते, उसकी इत्तबा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हर सुनी हुई बात के पीछे नहीं चल पड़ते, यानी उस शख्स की तरह नहीं होते कि जिसको जो शक्ल से बड़ा मोतबर नज़र आ रहा था और दो इंसान, दो अफराद के जो आपस में किसी बात पे झगड़ रहे थे, किसी बात का फैसला नहीं हो रहा था उनसे आपस पे झगड़े का, तो उन्होंने इस मोतबर को शक्ल देख करके, ये मोतबर है, उसको बुलाया और कहा कि आप ज़रा बुज़ुर्ग मालूम होते हैं, समझदार मालूम होते हैं, आप ज़रा हमारी ये दोनों की बात सुन लें और फैसला करें हम में से कौन हक पर है कौन बातिल पर। तो मोतबर साहब ने पहले एक से कहा कि गौर से सुनिएगा, एक से कहा कि आप बताओ आपका क्या केस है, आपका क्या दावा है। अब वो जो पहला बंदा था, वो उसकी ज़बान बड़ी तेज़ थी, बयान उसका बड़ा ज़बरदस्त था, उसने ऐसी स्टोरी, जैसे आजकल अदालतों में वकील करते हैं, उसने ऐसी चर्ब ज़ुबानी से अपना केस पेश किया कि ये बंदा जो था मोतबर साहब, ये दूसरे की बात सुने बगैर ही कायल हो गया, कहता तू हक पर है ये बातिल पर। तो दूसरे ने कहा भाई मेरी बात तो सुन ले, आपको बुलाया हमने इसलिए कि आप समझदार हैं और आप मेरी बात सुने बगैर पहले की बात सुन के फैसला कर रहे हैं। तो उसने कहा कि बात तू कर ले, लेकिन बंदा यही हक पे है। अब जब दूसरे ने बात शुरू की, वो पहले से बड़ा खतीब निकला, उसने ऐसी धुआंधार तकरीर की कि उसकी तकरीर सुन के बंदा कहता है नहीं यार तू गलत है, ये वाला ठीक है, दूसरे वाला। तो एक बंदा इस सारी दास्तान को देख रहा था, इस सारे एपिसोड को देख रहा था क्या हो रहा है। उसने उस मोतबर साहब से कहा भाई साहब मेरी एक मिनट ज़रा बात सुनो कि करीब आ गए। वो करीब गया, उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों ने अपने झगड़े का फैसला करने के लिए बुलाया आप। उसने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा आपने फैसला कैसे करेंगे, आपने पहले की बात सुनी आपने कहा तू ठीक कह रहा है, फिर आपने दूसरे की बात सुनी आपने कहा तू ठीक कह रहा है, तो फैसला कैसे करेंगे आप? वो कहता है तू भी ठीक कह रहा है। जब तक इंसान की अपनी फिक्र की बुनियाद मजबूत नहीं होती, लोग क्या करते हैं, पहले एक को सुना वाह वाह कर दी, फिर दूसरे को सुना फिर वाह वाह कर दी, फिर तीसरे, फिर कहते हैं कि ये पहला कोई और बात कर गया था, दूसरे ने उसके खिलाफ बात की है, तीसरे ने खिलाफ, एंड कहाँ पे होता है? जब खुद कोई अपनी मजबूत बुनियाद नहीं है तो एंड में कहते हैं कि हमारी सबसे तौबा, ये आपस में लड़ते रहते हैं हमें क्या दीन बताएंगे। दीन से
दूरी का सबब बन जाता है। क्यों? उस तरह दीन नहीं सीखा जिस तरह दीन के वारिसों ने बताया है। आकलाना रविश इख्तियार नहीं की दीन को समझने। और आज जो रिवायत अर्ज करूंगा इस आयत के बाद में, वो इसके मुतालिक है कि हमारे आइम्मा ने, हमारे तरबियत करने वालों ने, जिनके जिम्मे अल्लाह ने इंसानियत की तरबियत लगाई है, उन्होंने क्या रहनुमाई फरमाई है कि दीन को जो सीखना चाहता है वो किस तरह से सीखे। और ये इन अहादीस को अच्छी तरह से जहन नशीन फरमा लीजिएगा। आयत हम मुकम्मल कर लें, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه, जो बात को बड़े गौर से सुनते हैं और जो फिर उसमें से बेहतरीन हो उसको फॉलो करते हैं, उलाइका, ये उलाइका इशारा होता है अरबी जुबान में, ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमा रहा है ये वो लोग हैं, उलाइका الذين هداهم الله, इनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, यानी इनकी रविश वो है कि ये रास्ता ढूंढ लेंगे। इनको अगर कई रास्ते दिखाए जाए वहाँ पे लाइटिंग करके और वहाँ पर आतिशबाजियाँ करके, ये आतिशबाजियों से धोखा नहीं खाएंगे, ये रास्ते की लाइटिंग से और वहाँ की दुकानों से धोखा नहीं खाएंगे, ये हक का रास्ता अगर कोई भी ना जा रहा उस तरफ, ये उस रास्ते का इंतखाब कर लेंगे। उलाइकल लदीन हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और ये है साहिबान अक्ल। अब यहां भी आप तवज्जो फरमाए, अकल भी अरबी का लफ्ज है और ये जो अलबाब है लुब की जमा है, ये भी अरबी का लफ्ज है। अलबाब में खास इशारा है। लुब कहते हैं किसी चीज के खालिस हिस्से को। इंसान तकरीबन हर काम में अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अपनी अकल को इस्तेमाल करता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, यानी उसकी ख्वाहिश उसे कहती है कि यहां पर तुझे पहुंचना है, यह चीज तुझे हासिल करनी है, उस अपने मकसद के लिए अकल इस्तेमाल करता है। चोर भी अकल इस्तेमाल करता है, रिश्वतखोर भी अकल इस्तेमाल करता है, बदकारी करने वाला भी अपनी बदकारी के हदफ तक पहुंचने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, अकल इस्तेमाल करता है। बेअकल तो पकड़े जाते हैं जल्दी, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो बाज़ लोग बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं जराइम करने में, अपना निशान ही कोई नहीं छोड़ते इस दुनिया में मसलन। तवज्जो फरमाए, लुब उस अकल को कहता है कुरान कि जब उससे इंसान फैसला करवा रहा हो तो फिर उस अकल के अंदर किसी और चीज को दखालत ना करने दे, यानी अकल को इस्तेमाल करे उस बात के लिए डिसीजन लेने में। अगर कोई दोस्ती कह रही हो कि गलत काम कर, उस दोस्ती को हटा दे। अगर कोई रिश्ता बीच में आ रहा हो कि रिश्ते का तकाजा है कि तूने गलत गवाही देनी है, तेरा रिश्तेदार इस वक्त फंसा हुआ है, तूने गलत गवाही देनी है, रिश्तेदारी को साइड पे कर दे। तवज्जो फरमा रहे हैं, कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, सख्त बात है ना, कोई चीज इस बात के आड़े में ना, मसलन उसने गवाही देनी है तो उसको फकत अल्लाह की किताब की ये आयत उसको पता हो कि अल्लाह फरमाता है कूनु कव्वामीन बिलकिस्त शुहदा अलिल्लाह, के हक के लिए, इंसाफ के लिए गवाही को कायम करने के लिए खड़े हो जाओ, डट जाओ, वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो। अविल वालिदैन, बहुत एहतराम बताया कुरान ने वालिदैन का, लेकिन अगर मसलन वालिद ने किसी का हक मारा हुआ है, मोमिन वो है कि जो बाप के सामने नजरें झुकाए रखे लेकिन गवाही अगर बाप के खिलाफ है तो वही गवाही दे। तवज्जो फरमा रहे, अविल वालिदैन वल अक्रब, अविल अक्रबी वल अक्रबीन, या तुम्हारे रिश्तेदारों में से। ये जो है ना, ये अब पुरानी दास्तानें बन गई हुई, अब तो गवाहियां भी बिकती हैं, अब तो गवाह भी बिकते हैं, अब तो कुरान की भी झूठी कस्में होती हैं, अब तो अल्लाह की भी झूठी कस्में होती हैं, सब झूठ बन गया। क्यों? सब मसलक के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। हमारी जो, हमारा जवाल, हमारे इन्हितात की नीचे आ जाने की वजह आज दुनिया में क्या बन गई है,
वो चीज़ें, वो उसूल, वो कवानीन, वो अकदार, वो वैल्यूज़ जो अल्लाह ने बताई थी, रसूलुल्लाह ने मुआशरे में उनको मसलन कायम किया था, और जिनको फिर थोड़ा बहुत जब बिगाड़ आ गया तो मौला ने क़याम किया अपने ज़माने में, और उसके बाद अपने ज़माने में इमाम हसन मुज्तबा ने, और फिर लकीर खींच दी इमाम हुसैन ने करबला में आकर। वो जंग क्या थी? वो जंग यही थी। इमाम ने फरमाया, अपने खुतबात में फरमाया, आज अर्ज करूं कि जो जब हुर का लश्कर आया था उनसे खिताब करते हुए इमाम ने ये फरमाया था, अला तरौन, क्या तुम नहीं देख रहे, अन्नल हक ला युअमलु बे, तुम नहीं देख रहे कि हक पर अमल नहीं हो रहा, व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन, और तुम नहीं देख रहे कि बातिल से रोकने ही नहीं, कोई रोक रहा ही नहीं है बातिल से, लोग किए जा रहे हैं जो उनके, ये दीन मेरे नाना बताकर गए थे। मैं इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीब अल्फाज है। इसी खुतबे के आगे जाकर फरमाया, जब ये सब कुछ हो रहा हो तो फिर मोमिन का जी चाहता है, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अपने अल्लाह से मुलाकात करे, अपने इमाम की शनाख्त करे, ना कि जमाने भर की करप्शन पर राजी होकर बैठे हुए। नहीं, ये हमारा मुआशरा कब ठीक होगा? मिसाल के तौर पर जिन्होंने अपने मालों में हराम की आमदनी ऐड करके अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड ऊपर कर ली है, उनको जरा रोक के दिखाए। ये तो वही करेगा जिसके अंदर वो जज्बा बेदार हो जाए अपने इमाम के एहतराम में, जो जनाब हुर के दिल में जज्बा बेदार हो गया था। और वो चंद लम्हात में अपनी सारी दुनिया को ठोकर लगा दी उन्होंने, अपनी जान भी बेच दी खुदा के रास्ते में और अपने इमाम के रास्ते में, चंद लम्हात में। छोटा फैसला है। उस लश्कर में आया जो इमाम हुसैन को रोकने वाला लश्कर है, और वो जो जज्बा बेदार किया इमाम ने उसके दिल में कि मैं बयान करूंगा, उस जज्बे ने फिर हुर के सारे जो साबिका रिलेशनशिप्स थी खत्म कर दी। जब तक हमारे इस मुआशरे में अपनी इस्लाह से, और किस कौम के पास बेहतर प्लेटफॉर्म होगा इमाम हुसैन के मानने वाली कौम से इस्लाह का, कि जिनकी तहरीक करबला का शुआर और नारा ही इस्लाह है, क़यामत के दिन बड़ा भारी वजन उनकी पुश्त पर लादा जाएगा कि जो इमाम के क़याम का असल मकसद जो है वो पी जाते हैं बातों, और तरफ लोगों के अजहान को, जहनों को लगा देते। तवज्जो फरमा रहे, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो अल्लाह फरमा रहे ना, उलाइका लदीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी है, वह उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये है खालिस अक्लों वाले, क्योंकि जब ये मेरी बात सुनते हैं तो फिर जाहिर है मेरी बातों से इनकी ख्वाहिशात टकराती है, कुछ नाजायज़ ख्वाहिशात, ये फिर उन ख्वाहिशात को साइड पे करके फैसला करते हैं, अपनी अक्ल को ख्वाहिशात से ब्लैकमेल नहीं होने देते, ख्वाहिशात के प्रेशर में नहीं आते और फैसला फिर ठीक फैसला करते हैं। ये जो अल्लाह ने अमानत अता की है, जिसके बारे में कल मैंने आपकी खिदमत में अहदीस बयान की थी कि अल्लाह ने फरमाया, उस हदीस के मुताबिक इमाम फरमा रहे, खुदा ने फरमाया, तुझे हुक्म दूंगा, तुझे ही मना करूंगा, तुझे ही सजा दूंगा, तुझे ही जजा दूंगा। और दूसरी रिवायत क्या थी कि जब जिब्राइल ने इख्तियार दिया हजरत आदम को, उन्होंने अकल को चुना, जिब्राइल ने बाकियों से कहा दीन और हया से कि चलो मेरे साथ, दोनों ने कहा हम नहीं जाएंगे इसलिए कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है दीन को भी और हया को भी, कि तुम दोनों ने वहीं पर रहना है जहां पर अकल होगी। जब ये कौन सी अकल है? मैं एक और रिवायत बयान करूं, उसी की अगली रिवायत है, तीसरी रिवायत। इमाम से सवाल किया गया, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये किन के फरामीन है जो कुरान से जुदा नहीं, इन्हीं की बातों से फिर बढ़कर ज्यादा खुल के कुरान मजीद समझ में आता है, किताब भी बेहतरीन, उस्ताद भी बेहतरीन। तवज्जो फरमा रहे, किताब भी कायनात की बेहतरीन और उस्ताद भी कायनात के बेहतरीन। ठीक है, कोई कहे कि
अकल क्या चीज़ होती है? सवाल करने वाले ने सवाल किया, मल अकल, क्या फर्जंद रसूल अकल किसे कहते हैं? उसको मिक्सअप कर गया था, ठीक है ना। जैसे आजकल की सियासत इतनी बदनाम हो गई है कि लोग कहते हैं कि मसलन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि उन्होंने देखी करप्शन है सियासत में, तवज्जो फरमा रहे हैं। और कुछ लोग दीन से मंसूब इतनी करप्शन करते हैं कि लोगों को दीन से नफरत हो जाती है। तुम्हारा दीन है, तुम मुसलमान हो कि तुमने ये, तुम्हें तुम्हारा दीन ये सिखाता है ये काम करो, वो दीन से बाहर वाला बंदा मुतनफिर हो जाता है। इसी तरह मकतब अहले बैत से ताल्लुक रखने वाला, जिसको लोग जानते हो गैर जानते हो, कि ये मसलन अली का शिया अपने आप को कहता है, वो जब खराबी करता है फिर अली के मकतब से लोग बेजार होते हैं। इस बात की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। आप शियों के फजाइल सुनते हैं, आप उलमा बताते हैं, खुतबा बताते हैं, तवज्जो फरमाएं। हक है जो फजाइल शियों की, जो फजीलतें बयान की है अहले बैत ने कि शिया जन्नत में जाएंगे, ये बातें हक हैं, लेकिन ये आधा सच है। जिन्होंने शियों के फजाइल बताए उन्होंने शियों की सिफात भी बताई हैं, जिन्होंने शियों के मकाम बताए हैं उन्होंने शियों के आमाल भी बताए हैं। आधे सच से धोखा ना खाइए, आधे सच से धोखा ना खाइए। जो आके शिया की फजीलत बताए उससे कहिए मुझे वो सिफात भी बता जो अहले बैत ने शियों की बताई है। तवज्जो फरमा रहे। और जिस दिन मकामात शिया पर भी वाह वाह हुई और शियों की जो सिफात और जिम्मेदारी है वो बताए जाने पर भी वाह वाह हुई, उस दिन हमारा ट्रैक सीधा हो जाएगा। वरना लोग आमतौर पर यह सिफात बताते इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर दाद नहीं मिलती और उसके बाद इन्वाइट भी काम ही किया जाता है। तवज्जो फरमा रहे। इसलिए कि हम जिम्मेदारी अपने, जब हमें जन्नत की टिकट मुफ्त में मिल गई है तो फिर अपने कंधे पे क्यों टेंशन लें हम अमर बिल मारूफ की, नहीं अनिल मुनकर की, क्यों टेंशन लें कुरान पढ़ने की? दुनिया की टेंशनें थोड़ी हैं हमें, ऐसे जैसे अल्लाह ने हमें सिर्फ दुनिया के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने दुनिया के लिए पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने जब इंसान को खल्क किया था फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बना रहा हूं। हमारी हरकतें हैं अल्लाह के नायब वाली। फिर इस इंसान को गाइड करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे। आइम्मा हमें अता फरमाए। इसलिए नहीं है कि मैं गुनाह छोड़ू तो ना, मैं अपनी जिंदगी की उनसे रहनुमाई गाइडेंस तो ना लूं कि मैं कैसी जिंदगी गुजारूं। सिर्फ ये चाहूं कि मैं जैसी मर्जी जिंदगी गुजारूं, इनके सदके में अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये गलत है। माफी होती है, हुर की माफी हुई, लेकिन आपको पता है हुर ने जब एहतराम किया बीबी का, इमाम ने जो उसकी नब्ज पे हाथ रखा था उसने जो एहतराम किया, फिर एहतराम के बाद उसने डिसीजन भी लिया। ये नहीं कि बीबी का एहतराम करके उसके बाद इमाम को छोड़ के चला गया। उसने कहा बीबी का एहतराम तो बहुत करता हूं, उसकी तरह नहीं बना कि जो मसलन सैयद सज्जाद को रस्सियां भी बांध रहा था और रो रहा भी था। आप सुनते हैं ना, इमाम ने फरमाया कि रो रहे क्यों? बाज़ लोग ऐसे होते, रो रहे क्यों? कहता आपकी मजलूमियत था। कहा फिर मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? कहा आपकी गिरफ्तारी पर पैसे मिलने हैं, मैं नहीं पकड़ूंगा, किसी और ने तो पकड़ लेना, तो पैसे मैं क्यों ना ले लूं? ये होते हैं कि दुनिया और उसको मिक्स करके चल रहे होते, जहाँ दुनियावी मफाद आए काबिल एहतराम तरीन हस्ती को भी गिरफ्तार कर लो। बहाना क्या है? मैं नहीं पकड़ूँ, किसी ने तो पकड़ना ही है, तो आपके एहतराम करने वाले को फ़ायदा हो जाता, आपको बुरा लगता है। लिहाजा गिरफ्तार करके इमाम को मसलन खुश कर रहा है दूसरों को। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सवाल हुआ अकल क्या चीज़ है, तवज्जो फरमा इमाम के अल्फाज पर। ये भी उसूल काफ़ी के बिल्कुल तीसरी या चौथी हदीस है। शुरू में इमाम ने फरमाया अल अक्लो, अकल वो है, मा उबिदा बिहिर रहमान, औरों को अकलमंद मत समझना, अकल वो है कि जो रहमान की इबादत करवाती है। कुरान से जुदा नहीं है ना, क्यों ये जुमला बोला? ये कुरान से जुमला निकला है। क्यों? इसलिए कि कुरान ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंस को खल्क नहीं किया अल्लाह फरमा रहा है मगर यह कि मेरी इबादत करें। तो इमाम फरमा रहा है, वारिस कुरान क्या बता रहा है, अकल वो नहीं होती जो चीटिंग करवाए और करप्शन करवाए, अकल वो नहीं होती
अकल क्या होती है? मा उबिदा बिहिर रहमान, अकल वो है जो रहमान की इबादत करवाए, व कुसिबा बिहिल जनान, और जो जन्नत में पहुंचा दे, वो अकल है। वरना आज कोई आज बहुत चलाकियां लगाता है, कहता है तुम्हें पता है 10 साल पहले मेरी क्या हालत थी, ऐसा मेरे हाथ में चाबी लगी है कि लोग खुद अपने माल मेरे पास आके खाली करते हैं, इतनी रिश्वत खाता हूँ मैं, समझता है मैं बहुत तेज़ हूँ। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिल नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने गवाही दी, कुरान ने भी गवाही दी हुई है इसकी, खा रहे हैं, समझते हैं बहुत तेज़ है। और भी समझते हैं रिश्वत के माल में से मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा चंदा दे दूँ अगर मस्जिद में, अगर मैं कोई मदरसा तामीर करवा दूँ तो ये जो है सारा क्या हो जाएगा, फिल्टर होकर पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कि दीन ना हो गया, करप्शन का लाइसेंस हो गया कि तुम करप्शन करो, बेईमानी करो, दूसरों के माल खाओ, दूसरों के पेट फाड़ो, उसके बाद आकर अल्लाह के खाते में अकाउंट में भी कुछ जमा करा दो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। ये धोखा है। अल्लाह ने जब नमाज का तज़किरा किया फरमाया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज क्या करती है? तासीर, वो नमाज जो कुरान वाली नमाज है, वो जो पढ़ता है रूह के साथ, उसे नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई से। तवज्जो फरमा रहे हैं? लेकिन अगर कोई बंदा करप्शन भी करता है, साथ नमाज भी पढ़ता है, वो देखने वाले की नजरों में क्या तबलीग कर रहा है? कह रहे इसके दीन ने इसे लाइसेंस दिया है करप्शन का, कि तू कर करप्शन, आके नमाज पढ़, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तू कर करप्शन, ज़्यादा कर ली, अब तू हज पे चला जा, तेरे माफ़ हो जाएंगे। तू रे कर ली करप्शन, अब तू जाके इमाम हुसैन की ज़्यारत कर ले, तेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये दीन नहीं है। अगर कोई गुनाहगार हो, हिकमत क्या है ज़ियारात की, अगर कोई गुनाहगार हो अपने इमाम की बारगाह में जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, मेरा इमाम कैसा था और मैं क्या करता रहा आज तक, शर्मिंदा हो जाता है, रोता है, इमाम से माफ़ी मांगता है, ठीक हो के वापस आ जाता है उस तरह जिस तरह हो ठीक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम को भी चक्कर दे रहा हूँ कि मैंने तो नहीं छोड़ना आपका काम, हाँ मैंने अपनी सिफारिश क़यामत के दिन के लिए बड़ी अच्छी पक्की ढूंढी हुई है। ये शिफात का भी जो सही तसव्वुर है वो अल्लाह ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी तरह बताया हुआ है। कुरान में जाके देखें शिफात का मतलब क्या है। किन की बास लोगों के बारे में कहा गया उनकी शिफात नहीं होगी? फिर अहले बैत ने फरमाया इन सिफात वाले लोगों की शिफात इनको हमारी शिफात नसीब नहीं होगी। उनका भी वो चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, वो भी बताने वालों को बतानी चाहिए, खुदा की रजा की खातिर, लोगों की रजा हाथ में आए या लोगों की रजा हाथ में ना आए। फरमाया अल अक्लु मा उबिदा बिहिर रहमान व कुसिबा बिहिर जनान, अक्ल वो है कि जो रहमान की इबादत करवाए और एंड रिजल्ट क्या हो, जहन्नम ना हो यहाँ की तेजियों और चीटिंग्स का, जहन्नम रिजल्ट ना हो बल्कि क्या हो, एंड रिजल्ट जन्नत हो। तो पूछने वाले ने शायद उसको समझ नहीं आई बात की उसने एक शख्स का नाम लिया जिसने मौलाली को बहुत तंग किया था, और इतना तंग किया था कि लोग मौलाली को कहते थे ये समझदार नहीं है, मौला से कहते थे उसकी तेजियों की वजह से कि ये अकलमंद नहीं है, है बहादुर लेकिन समझदार नहीं। और उस वक्त भी मौला का गिला कूफियों से यही था, उनसे जिन्होंने मौला की बैत की थी। जब मौला को ये बातें सुनने को मिलती थी कि लोग कह रहे हैं अबू तालिब का बेटा बहादुर तो है लेकिन समझदार नहीं है, आप बताइए अली से बढ़कर समझदार होगा? अली से बढ़कर कौन समझदार होगा? कोई समझदार नहीं। उस अली को ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि अली समझ बहादुर है लेकिन उसको तरीका नहीं आता सही पर। तो वहां पर मौला रजुल बलागा आप पढ़िए, मौला फरमाते हैं कि उसकी राय की क्या हैसियत होगी जिसकी बात कोई ना मानता, जिसकी बात कोई ना मानता। मैंने अर्ज किया था ना अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और फिर उम्मत को बताया कि याद रखो जिसने अली की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने अली की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो बात उसमें क्या थी? जिसने अली की इताअत की, जिसने अली की नाफरमानी की, नतीजा इताअत पर है और नाफरमानी पर। वो आयात जो तकरार होती है हमारी महफिल में वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अतीउ पे जोर ही नहीं होता,
ना बताने वाले का ना सुनने वाले का, लिहाजा इताअत के जज्बे भी बेदार नहीं होते, उसी तरह ज़िंदगियाँ रहती। उस शख्स ने सवाल किया, जो फलान शख्स में थी वो बड़ा तेज था, वो क्या थी? इमाम ने फरमाया, वो शैतनत होती है, अकल से मिलती जुलती चीज़ होती है जो फ़कत ख्वाहिशें पूरी करवाती है, वो शैतनत है। अकल से मिलती जुलती चीज़ है वो अकल नहीं, अकल वही है जो मैंने तुझे बता दिया, जो रहमान के आगे झुका दे और जन्नत तक पहुँचा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब आप तवज्जो फरमाएं, किताब उसूल काफ़ी इसका एक मुकदमा है, यानी किताबुल अक्ल वल जहल, जहाँ से बाकायदा अहदीस आइमा शुरू होती हैं। उससे पहले मोहम्मद इबन याकूब कुलैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक मुकदमा लिखा। आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा इंशाल्लाह, कि ये जो किताब उसूल काफ़ी या अल काफ़ी वजूद में आई है, इसका सबब क्या चीज़ बनी थी। इसका सबब यह बना था कि एक शख्स ने शेख कुलैनी के जो बहुत बड़े आलिम थे उनको ख़त लिखा, और ख़त में उसने खुलासा बयान कर रहा हूँ, ये ख़त भी उस मुकदमे में जो शेख कुलैनी ने लिखा है, उस ख़त की तरफ भी इशारा किया, उसकी बातों की तरफ। ख़त में उस शख्स ने शेख कुलैनी को ये लिखा, और जब उस ख़त को आप पढ़े तो आपको यूँ लगेगा जैसे आजकल का मुआशरा, ठीक है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इल्म को छोड़ दिया है और जहला के पीछे चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता दीन किससे लेना है किससे नहीं लेना। तो अजीब व गरीब नित नई बातें ईजाद हो रही हैं, नित नई खुराफात आ रही हैं। आपसे दरख्वास्त है कि एक ऐसी किताब लिख दे, एक ऐसा मजमूआ हमें दे दे जिसमें अहले बैत अतहार के फरामीन मौजूद हों, कि जो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के पास मौजूद हो, अहले बैत के फरामीन के लिए अगर रुजू करना चाहें तो उस किताब में से देख लें। ये ख़त सबब बना और उसकी तड़प सबब बनी उस ख़त लिखने वाले की, कि शेख कुलैनी ने अहादीस को इकट्ठा करना शुरू किया मुख्तलिफ अबवाब में, और ये किताब काफ़ी वजूद में आई गैबत सुगरा के ज़माने में। इसके मुकदमे में शेख कुलैनी उस शख्स को बताने के लिए कि आइम्मा ने जो दीन सीखने का, हमारे आइम्मा ने, हमारे मुरब्बियों ने, हमारे असातीद ने जो हमें दीन सीखने का तरीका बताया है अपनी रिवायात में, उसमें से चंद हदीसें शेख कुलैनी ने इस किताब के मुकदमे में लाई हैं। उनमें से दो या तीन आपकी खिदमत में तिलावत करना चाहूँगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। फरमाते हैं, قال العالم عليه السلام, العالم हमारे आइम्मा में से दो आइम्मा का लकब है, वैसे तो सभी आलिम थे और उन जैसा कौन आलिम होगा, लेकिन दो को आलिम के लकब से ज़्यादा याद किया गया। एक आठवें इमाम और एक दसवें इमाम, इनका लकब भी आलिम, लोग इन्हें आलिम कहकर भी पुकारते थे। तो यहाँ पर अल-ज़ाहिर मुराद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके फरामीन। तवज्जो कीजिएगा, इमाम फरमाते हैं, ये अब दीन सीखने का तरीका बता रहे हैं, दीन कैसे सीखना चाहिए। फरमाया, मन दखल फिल ईमान बिइल्म, इमाम फरमा रहे हैं जो शख्स ईमान में इल्म की बुनियाद पर दाखिल होता है, इल्म की बुनियाद पर, नॉलेज की बुनियाद पर, आगे वजात हो दे, सब तफी व नफ़ाहु ईमानो, वो अपने ईमान पर साबित भी रहता है और उसका ईमान उसे फायदा भी देता है। जो ईमान के फायदे होते हैं किसको, जो इल्म से पहुंचा है ईमान, उसने जानने की कोशिश की, उसने कुछ ना कुछ जहमत उठाई। वमन दखल फीह बगैर इल्म, और जो ईमान में आ गया तो है लेकिन बगैर इल्म के आया है।
मैंने कई अफराद देखे हैं कि जो सारी उम्र एक बात सुनी सुनाई पे नारे लगाते हैं, उसके कायल होते हैं। एक तेज बंदा आकर गैरों में से टेक्निकल बंदा ऐसा शक पैदा करता है कि उनको अपना पूरा मजहब उसको जजला आना शुरू हो जाता है। क्यों? बगैर इल्म। अगर बेइल्म होता तो फौरन उसका मुंह बंद करवाता, लेकिन चूंकि सुना सुनाया तो फिर ये कमजोर इमारत होती। जो शख्स बगैर इल्म के दाखिल हुआ, इमाम के अल्फाज देखिए, खरज मिन्हु कमा दखला, जैसे दाखिल होता है वैसे निकल भी जाता है, जैसे आया था वैसे निकल भी जाता है। वो उसी बंदे की तरह जो कह रहा था तू हक पर है, फिर उसकी बात सुन कहता तू बातिल पर है, फिर तीसरे से कहता तू भी ठीक कह रहा है। ये जैसे आया था बगैर किसी सॉलिड बात के उसी तरह दीन से निकल भी जाता है। तवज्जो फरमा। वकाल अलैहिस्सलाम, और इमाम ने फिर ये फरमाया, ये हदीस अच्छी तरह तवज्जो फरमाए, मन अखذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه, जिस शख्स ने अपना दीन अख्ज़ किया, अख्ज़ करना यानी लेना, हासिल करना, वैसे अख्ज़ करना पकड़ने को कहते हैं, जिस शख्स ने अपना दीन लिया अल्लाह की किताब से और वसुन्नत नबी ये और अल्लाह के नबी की सुन्नत से यानी उनके फरामीन से। बिरादरान अहले सुन्नत, हदीस का सिलसिला रसूलुल्लाह पर रोक देते हैं। मकतब अहले बैत वाले जो अहले बैत ने उनको बताया है और उनको वो मानते हैं, जो मकाम उनका है उसके मुताबिक उनको मानते हैं, तो हमारा हदीस का सिलसिला जारी रहता है। अहले बैत अतहार के फरामीन हमारे लिए रसूलुल्लाह के फरामीन हैं, और अहले बैत अतहार ने खुद फरमाया, बताया, वजाहत फरमाई है कि हम तुम्हें जो कुछ बताते हैं कोई अपने पास से नई बात नहीं बताते, हम तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान बताते हैं। तवज्जो फरमा रहे, हम तुम्हें अपने पास से कुछ नहीं कहते, सख्त अल्फाज है, अगर हम खुद से करते तो हम हलाक हो जाते, हम तुम्हें वही बताते हैं जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। तवज्जो फरमा रहे, तो लिहाजा हमारे यहाँ सुन्नत मकतब अहले बैत में आगे तक चलती। तो जिसने अपना दीन, इमाम फरमा रहे, अल्लाह की किताब से लिया, बस पहला स्टेप क्या है, अल्लाह की हदीस सकलैन की दूसरी शक्ल, इन्हीं को थामना ना दोनों को। फरमा रहे तुम में से जिसने अपना दीन अल्लाह की किताब से लिया और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से लिया, लफ्ज़ देखिए, ज़ालतिल जिबालु क़ब्ल अन यज़ूल, ये इतना मजबूत होगा, इतने मजबूत कदम जमे होंगे इसके दीन में, अपने अपने अकायद में, अपने नजरियात में, कि अगर कोई, ये लफ्ज़ मेरे हैं वजाहत के लिए, अगर कोई जलजले आ जाए, तूफान आ जाए, आंधियाँ आ जाए, इतनी ज़बरदस्त हो कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, जिसने इस तरह दीन सीखा है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अब ये पहला तरीका दीन सीखने का, फिर इमाम ने इसके बरक्स बताया, फरमाया वमन अखذ دينه من افواه الرجال, और जिसने अपना दीन लोगों की जुबानों से लिया, इधर गया कुछ सुना, उधर गया कुछ सुना, दादा से कुछ सुना, दादी से, नानी से, टीचर से कुछ सुना, पान वाली दुकान पे कुछ सुना, दोस्तों से कुछ सुना, फलान से कुछ सुना, इस मजमूए का नाम दीन रख दिया। मिन अफवाह रिजाल, लोगों के मुंह से सुनता है, वो रविश नहीं करता कि जो इमाम बता रहे। वो मन अखद दीनहु मिन अफवाह रिजाल रद्दत हो रिजाल, लोग उसे दीन से निकाल भी देंगे। वो पहली वाली हदीस, जो इल्म से आया साबित भी रहेगा और ईमान उसे फायदा भी देगा, और जो बगैर इल्म के आया, इसका मतलब ये अगली हदीस वजाहत में आ गई, तफसीर है उसकी, बगैर इल्म के आना यानी सुनी सुनाई पे, बचपन से सुनता आया और पक्का भी हो गया उसके दिमाग में, इतना पक्का हो गया कि कोई कुरान की आयत उसको सुनाए उसे अपने पे गुस्सा नहीं आता, आयत पढ़ने वाले पे गुस्सा आ जाता, हालांकि उसे पता है कि ये तो आयत है कुरान की, लेकिन उसके नजरिए के खिलाफ।
आप ज़रा थोड़ा सा मेरे इसमें शामिल होकर मुझे जवाब दीजिएगा। दो रविशें बताई इस हदीस में इमाम ने, बस मेरी गुफ्तगू आज की गुफ्तगू आखिर की तरफ आ रही है। दो रविशें बताई, एक रविश क्या है, कुरान से और सुन्नत रसूल से, ठीक है, दीन ले। और जो दूसरा तरीका बताया वो खुद इशारा कर रहा है कि सिर्फ सुन के नहीं ले कुरान और हदीस, बल्कि खुद भी देखे। कुरान को तो हर कोई देख सकता है ना। अभी कुरान की तरफ इंशाल्लाह ये गुफ्तगू आएगी। कुरान के साथ जो हमने जुल्म किया है इस किताब पर, वो भी कुछ कम नहीं है। अल्लाह के नबी ने दो चीज़ें छोड़ी, दोनों मजलूम हैं, दोनों मजलूम हैं। तवज्जो फरमाए, जो कुरान और सुन्नत से दीन ले और जो लोगों से सुन सुना के ले। आपसे सवाल है, इन दोनों में इमाम ने किस रविश को ठीक रविश के तौर पर बयान फरमाया? जी कुरान और सुन्नत, ऐसा ही है ना। लेकिन हमारी रविश कौन सी वाली, पहली या दूसरी? जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए और एक नारा भी लगा दीजिए। मैंने कहा कि अल्लाह ने सबसे बेहतरीन चीज़ जो इंसान को दी है वो ये अकल। अकल इंसान को बचा लेती है धोखे से, और कायनात का सबसे बड़ा धोखा वो है जो दीन के बारे में खा जाए इंसान। कायनात की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा नुकसान दे गैर संजीदगी वो है जो इंसान की दीन के बारे में, कि दीन इतना कीमती है, जिस कुर्बानी को याद करने के लिए हम बैठे हैं वो दीन की खातिर दी। एक और रिवायत सुन लीजिए और ये सिलसिला आज का हम तमाम करते हैं। वहीं पर ये सारी रिवायात शेख कुलैनी ने इकट्ठी जिक्र की, ये सारी रिवायात शेख कुलैनी ने मुकदमे में उसूल काफ़ी में इकट्ठी जिक्र फरमाई। तीसरी वक़ाल अलैहिस्सलाम, और इमाम ने फरमाया, मन लम यअरिफ अमरना मिनल कुरान, जिस शख्स ने हमारे अम्र को, मन जिसने, लम यअरिफ न पहचाना, यअरिफ ये वही मारिफत वाला, ठीक है ना, यानी पहचानना किसी चीज़ की, शनाख्त करना, जिसने न पहचाना किस चीज़ को, अमरना हमारे अम्र को, हमारी बातों को, हमारे फरामीन को, जिसने न पहचाना कैसे, मिनल कुरान, कुरान से। यानी उसके पास एक जखीरा है जो परखने के लिए दिया गया, क्योंकि आइम्मा को मालूम था लोग हमारे नाम पर झूठ बोलेंगे, और ये आइम्मा के नाम पर झूठ बोलना ये बाज़ लोगों के लिए, दुनिया परस्तों के लिए बड़ा आसान था अपने मफादात के लिए। और ये फकत आइम्मा के साथ नहीं हुआ, ये शिया सुन्नी रिवायात में है कि रसूलुल्लाह की अपनी ज़िंदगी में इस कदर लोगों ने रसूलुल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलना शुरू किया कि अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में फरमाया कि मैं सुन रहा हूँ कि मेरे बारे में कसरत से झूठ बोला जा रहा है, तो याद रखो जिसने जानबूझकर कोई झूठी बात मुझसे मंसूब की उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। इसलिए कि मेरी बातें तो लोग दीन के तौर पर ले लेंगे और बजाय हिदायत के गुमराह हो जाएंगे, तो जो झूठ बोलने वाला इस गुमराही की बुनियाद रख रहा है झूठ बोलकर मेरे नाम पर, वो जान ले कि उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो बोलने वालों ने बोला झूठ, आइम्मा पर झूठ बोला, आइम्मा की अपनी रिवायात और गवाहियां मौजूद है। नाम ले लेकर आइम्मा ने बाज बड़े झूठों पर लानतें किए, जिन्होंने खुद घड़ के अहादीस आइम्मा के नाम पर शामिल कर दी थी शियों की किताबों में। ये उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे, और शेख कुलैनी बता रहे हैं कि दीन सीखने का सही तरीका क्या है। इमाम का फरमान, मन लम यारिफ अमरना मिनल कुरान, जो सुनता है उसके पास कुरान नहीं है, कुरान से मानूस नहीं है कि कोई तो मेयार हो अल्लाह का दिया हुआ कि देखे कि ये टकराव वाली बात है या टकराव वाली बात नहीं है। जिसने हमारे अम्र को कुरान से न पहचाना, लम यतनक्कबिल फितन, वो फितनों से नहीं बचेगा। हम में से कितने हैं कि जो ये काम करते हैं,
कुरान हमने पढ़ा हो, कुरान से हम मानूस हो, कुरान की आयात हमें पता हो, ताकि अगर कोई खिलाफ कुरान बात सुने तो हम चौंक जाएं। हम नहीं चौंकते, इसलिए कि इन अहदीस के मामले में भी हमारा दीन जो है वो सुना सुनाया है, ये वाली रविश नहीं। ये अहदीस आप में से हर एक अपने अपने कल्ब में दिल में सोचिए, आपने ये अहदीस अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा सुनी। हालांकि ये शेख कुलैनी ने दीन सीखने का तरीका जो आयमा ने बताया है उसके उनवान से बताई उसको, कि अगर ये जो मुआशरे में गुमराहियाँ फैल रही हैं और नए नए चीज़ें ईजाद हो रही हैं, अगर इससे बचना चाहते हो तो दीन को उस तरह सीख जिस तरह दीन के वारिसों ने बताया है, न कि सुनी सुनाई पे चलोगे तो फिर ये काम अपनी ठीक रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वक्त तमाम हुआ आज की गुफ्तगू का, आज तीसरी मुहर्रमुल हराम है और रस्म है कि इमाम के साथियों में से एक ऐसा साथी कि जिसकी चंद लम्हात में तकदीर बदल दी करबला ने, उस हस्ती का यानी जनाब हुर यानी आज़ाद, और इमाम ने भी आखिर में उसकी लाश पर आकर फरमाया था कि हुर तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी, तूने काम ऐसा कर, तुझे अपना सही फैसला करने में दुनिया की कोई चीज़ आड़े नहीं आ सकती, रोक नहीं सकती। इन चंद जुमलों को आप समाप्त कीजिए, लेकिन साथ साथ अपने इमाम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में ये भी अर्ज करते जाएं कि खुदाया जो इमाम ने जुमला बोला था हुर, और उस जुमले को सुनकर इमाम की वालिदा के एहतराम में हुर पर जो असर हुआ था, परवरदिगारा हम भी दुनिया में गिरफ़्तार हैं, गुनाहों में गिरफ़्तार हैं, मुहर्रम के इब्तदाई अय्याम हैं, उस इमाम के सदक़े में हुर वाला जज्बा हमारे अंदर भी बेदार हो। आपको मालूम है हुर वो पहला शख्स है जिसने इमाम को रोका है, मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। इमाम का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवा है कि एक साथी इमाम का अचानक तकबीर बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बड़ा है लेकिन इस मौके पर तूने तकबीर क्यों कही? उसने कहा मुझे खजूरों के दरख्त दिखाई दिए। इमाम ने बाकी साथियों से पूछा तुम्हें भी दिखाई दे रहे? उन्होंने कहा नहीं, हमें खजूरों के दरख्त नहीं, हमें नेज़ों की नोकें दिखाई दे रहे। वो चलने वाले करीब आ गए, 1000 का लश्कर लेकर इब्न ज़ियाद के हुक्म की इताअत में। तवज्जो फरमाए, सारी उम्र भी अगर गलती में गुजरी हो, एक चंद लम्हात हुसैन की इताअत में गुजर जाए तो भी जन्नत मिल जाता है। ये हुर का वाक्या हमें सिखाता है। रिवायात ये बताती हैं साकी कौसर के नवासे हैं, जैसे ही हुर का काफिला आया पानी उनका ख़त्म हो चुका था, सब प्यासे थे। इमाम ने बातचीत के आगाज़ से पहले अपने साथियों को हुक्म दिया कि इनके इंसानों को भी सैराब करो और हैवानों को भी सैराब करो। गोया के इमाम पैगाम दे रहे थे हमारे पास जो भी आ जाए हम उसे दुनिया में भी सैराब कर देंगे, और जब क़यामत की प्यास में आएगा हमारे पास तो हम अपने मानने वालों को क़यामत के दिन भी सैराब कर देंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद दर सलावत। तो इमाम के साथियों ने सबको पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद इमाम ने पूछा कि हुर इलैना अम अलैना, मेरी मदद के लिए मेरे पास आए हो या मेरे ख़िलाफ़ मेरे पास आए?
हुर ने कहा बल अलैक, बल्कि आपके ख़िलाफ़ आया हूँ। इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि मैं आपको लाकर इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश करूँ, आपको गिरफ़्तार करूँ। इमाम ने फरमाया कि एक जुमला बोला इमाम कि इस जुमले ने हुर की तकदीर बदल दी। कितनी अजीम है इमाम हुसैन की माँ। इस बीबी के एहतराम ने हुर की तकदीर बदली। और मैं यहाँ पर मेरे जहन में आ गया, मैं अर्ज़ कर दूँ, सारी कायनात में बड़े बड़े रुतबे और मकामात वाली ख़वातीन गुजरी हैं, लेकिन इस पूरी कायनात में आपको शिया हत्ता अहल सुन्नत की कुतुब में कोई और ऐसी खातून नहीं मिलेगी जिसके बारे में अल्लाह के नबी का ये फरमान मिलेगा हमें कि जब क़यामत का दिन होगा और सारी मखलूकात हशर में जमा होगी, अचानक अल्लाह की तरफ से एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ऐ अहले महशर अपनी नज़रें झुका लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी गुजरने वाली। कितना मकाम है जनाब सैयदा का। इमाम हुसैन ने हुर की माँ की तौहीन के लिए नहीं, लेकिन हुर के कल्ब पर वो ज़र्ब लगाने के लिए कि जो जंग को दूर कर देती। इमाम ने फरमाया जब उसने लगाम पकड़ी इमाम के घोड़े की, इमाम ने फरमाया सकलत का उम्म का माँ तुरीद, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, हुर तू क्या चाहता है। ये जुमला सुनना था, हुर गैरतमंद था, एक दफ़ा पलटा और इमाम की तरफ रुक करके कहता है कि अगर आपके अलावा कोई बड़े से बड़ा भी होता और मेरी माँ का इस तरह जिक्र करता तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन क्या करूँ कि आपकी माँ वो हस्ती है कि सिवाय खैर के मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता। साथ साथ चलना शुरू करता है हुर इमाम के। मुख्तसर करूँ, दसवीं आशूर का दिन आ गया। हुर शायद ये समझ रहा था, उसके तसव्वुर में नहीं आ रहा था कि क्या वाकयन ये लोग इमाम हुसैन के कत्ल के दरपे हो जाएंगे। आशूर की सुबह जाता है इब्ने ज़ियाद के पास और इब्ने साद के पास और उससे सवाल करता है कि ए इब्ने साद, क्या वाकयन हुसैन से जंग करनी है हमने, क्या वाकयन नवासे रसूल को कत्ल करना है हमने। वो लईन इसको जवाब देता है, हाँ हमने नवासे रसूल के साथ जंग करनी है। अज़ादारों जुमला सुनोगे, हुर जब उसके पास से वापस लौटता है तो हुर के बदन पर एक अजीब कपकपी तारी है। एक हुर के लश्कर का शख्स, हुर बहादुर था, हुर शुजा था, एक लश्कर का शख्स जब हुर के बदन पर निगाह डालता है, हुर से कहता है, हुर तेरे जैसा शख्स के जिसको अगर कोई मुझसे पूछे इस लश्कर में सबसे बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम लूँगा, और मैं देख रहा हूँ कि मौत के खौफ से गोया तेरे बदन पर कपकपी तारी है। हुर ने फरमाया है, शख्स मौत के खौफ से मेरे बदन पर कपकपी तारी नहीं है, लेकिन मैं तुझे बताऊं, मैं अपने आप को इस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान में देख रहा हूं, और गोया मुझे इख्तियार दे दिया गया है कि चाहूं तो हुसैन के साथ मिलकर जन्नत में चला जाऊं और चाहे तो हुसैन को छोड़कर जहन्नम में चला जाऊं, और खुदा की कसम मैं सिवाय जन्नत के किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा। हुर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े को पानी पिलाने के बहाने चलाना शुरू किया, इमाम हुसैन के खेमों से करीब होने लगा। हुर के बेटे की निगाह पड़ी, बाप से सवाल करता है, बाबा आप किधर जा रहे हैं। हुर बेटे से कहता है, बेटा मैं इमाम हुसैन की खिदमत में पेश होने जा रहा हूँ। बेटा कहता है, बाबा क्या मैं भी आ सकता हूँ। हुर ने कहा, बिस्मिल्लाह, जहाँ मैं जा रहा हूँ तू भी आ जा। बख्तल के लफ्ज़ हैं। जब हुर खैमों के करीब जाता है, इमाम हुसैन के साथी इतला देते इमाम को, ए फरजंद रसूल, हुर खैमों के करीब आ रहा है। वो समझे शायद हुर किसी बुरी नीयत से आ रहा है। इमाम ने जो जुमला बोला, कहा अली अकबर, अब्बास, उठ के मेरे हुर का इस्तकबाल करो। अब ये वो हुर नहीं रह गया, हुर का इस्तकबाल करो। हुर इमाम की खिदमत में आता है, अज़ादारों जुमला सुनिएगा, हुर इमाम की खिदमत में आता है। मक्तल के अल्फाज बाज़ रिवायात में ये मिलते हैं कि दोनों हाथ सर पे रखे हैं और दोनों नज़रें ज़मीन पर झुकाई हैं, आकर इमाम की खिदमत में पेश होता है और बस एक जुमला अर्ज़ करता है इमाम को सलाम करने के बाद कि ऐ फरजंद रसूल, आया मुझ जैसे गुनाहगार की भी तौबा का दरवाज़ा खुला।
क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मैंने आपका रास्ता रोका, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने रसूल की बेटियों को डराया, मेरी वजह से रसूल की बेटियाँ खौफज़दा हुई, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा? वो रहमतुल लिल आलमीन का फर्जंद इस आने वाले से कहता है, हाँ हुर तेरी तौबा कबूल है। ये हुर इमाम की खिदमत में अर्ज़ करता है, ए फर्जंद रसूल, बस मैं रुकूंगा नहीं, मुझे एक इजाज़त दे दीजिए कि मैं अली की बेटियों से जाके एक दफ़ा माफ़ी मांग लूँ। इमाम ने इजाज़त दी, हुर सर झुकाए चलता हुआ बीबियों के खेमों के पास आया, दो जानू होकर खेमों के सामने बैठ गया, एक जुमला ये बोला कि क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी, और दूसरा जुमला ये बोला, सुनिएगा आज़ादारों, दूसरा जुमला जिसने हुर की तकदीर बोली थी, जनाब सैयदा हुर की फिक्र से बाहर नहीं गई थी, बीबियों से खिताब करके कहता है, क़यामत के दिन रसूल की बेटी से मेरा शिकवा न कीजिएगा, रसूल की बेटी को मेरी शिकायत न कीजिएगा, मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दीजिए। आज़ादारों खेमे से गिरिए की आवाज़ें बुलंद हुई, हुर ने आकर इमाम से इजाज़त मांगी। हुर का बेटा पहले गया, बस आखिरी जुमला, हुर के बेटे ने कहा, बाबा मैं आपसे पहले जाऊंगा। मैदान में निकलता है, शजाअत के जौहर दिखाता है, अचानक अपने बाप को पुकारता है कि बाबा आइए मेरी खबर लीजिए। हुर तो जाहिर बात है भूखे प्यासे नहीं थे, वो तो हुसैन और उनके घर वाले भूखे प्यासे थे। हुर तेज़ी के साथ अपने बेटे की पुकार सुनकर उस तरफ जाते हैं जहां बेटा ज़मीन पर गिरा है। आज़ादारों, सारी भूख और प्यास के बावजूद क्या देखा हुर ने कि हुर से पहले हुसैन उसके बेटे के पास पहुंचे हैं, अपनी गोद में हुर के बेटे का सर रखा है। हुर कहता है, मौला आपने क्यों ज़हमत की, आपने क्यों ज़हमत की? बस इंसान अगर तसव्वुर करे तो इमाम ने गोया हुर से ये कहा होगा, हुर मैं जानता हूँ कि जवान बेटे की लाश उठाना कितना सख्त है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ऐ हुर, आप उस वक्त नहीं होंगे कि जब हुसैन अपने जवान की लाश पर पहुँचेंगे। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।